अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असीम गुल और आप देख रहे हैं अवान टाइम्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी टाइल परचेज करनी है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने लगा हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा आपके सवालों के जवाब एक साथ मिल जाएंगे, और उसके अलावा आप जो भी चीज़ आप परचेज कर रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन जो है वो बड़े इजीली आप कर सकेंगे। जी हाँ, मैं आपको आज ये बताऊंगा कि टाइल के बॉक्स को कैसे रीड किया जाता है, टाइल के बॉक्स के साथ आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो इससे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपको कौन सी कंपनी की टाइल परचेज कर रहे हैं, कौन सा ग्रेड परचेज कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, टाइल का साइज़ क्या है, टाइल का कलर शेड क्या है, इसके अलावा जो भी कंपनी टाइल बना रही है उसने क्या क्या हदायत दी है, कौन सी रिस्ट्रिक्शंस दी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइल बॉक्स के ऊपर से मिल जाती है। तो आज का जो मैं आपके साथ टाइल बॉक्स शेयर करने वाला हूँ वो फोर्ड कंपनी का टाइल का बॉक्स है। मोर और लेस तकरीबन सारी जो कंपनी है वो सेम इंफॉर्मेशन टाइल के बॉक्स के ऊपर प्रिंट करके भेजती है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपको फोर्ड कंपनी का बता रहा हूँ। अगर आपने किसी और कंपनी की टाइल परचेज की है तो भी आपको यही सारी इंफॉर्मेशन इजीली टाइल के बॉक्स को देखने और पढ़ने से मिल जाएगी। टाइल के बॉक्स की चार साइडें होती है। अगर टाइल के बॉक्स को आप खड़ा करते हैं तो एक उसकी फ्रंट साइड बनती है और एक उसकी बैक साइड बनती है और दो साइड वाली जो है वो छोटी साइडें होती है। तो इन सारी चारों तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट और कीमती इंफॉर्मेशन प्रिंट की होती है, और मैं समझता हूँ कि हर कस्टमर को टाइल परचेज करने के बाद इन एक कम अज कम एक बॉक्स को लाजमी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें आप वेरीफाई कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे पास फोर्ड कंपनी का टाइल का बॉक्स है और ये उसकी फ्रंट साइड है। अच्छा, फ्रंट साइड के ऊपर मेन मेन जो इंफॉर्मेशन होती है वो दी जाती है। अभी जो कि ये फोर्ड कंपनी का बॉक्स है तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने पहले भी बताया कि यही सारी इंफॉर्मेशन आपको हर कंपनी के टाइल बॉक्स के ऊपर लाजमी मिलेगी। तो फोर्ड कंपनी के जो फ्रंट का जो साइड है उसके ऊपर चार जो है वो मेजर इंफॉर्मेशन है वो दी गई होती है। सबसे पहले तो कंपनी का नाम लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम होता कि उन्होंने कौन से कंपनी की टाइल परचेज की है, तो अगर आप टाइल बॉक्स देखेंगे तो उसके ऊपर बड़ा बड़ा कंपनी का नाम लिखा होता है, जैसा कि यहाँ पे सामने फोर्ट सेरेमिक लिखा हुआ है। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है वो है टाइल ग्रेड। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि हमें कौन सा ग्रेड दिया गया है। तो टाइल के ग्रेड को चेक करने का बहुत ही आसान और मेरे ख्याल में सबसे आसान तरीका यही है कि जो डब्बे के ऊपर जो भी ग्रेड लिखा होगा टाइल उसके अंदर वही पैक होगी। अभी तक मेरे ख्याल में कंपनी, मैंने नहीं देखा कि किसी कंपनी ने झूठ बोला हो या धोखा दिया हो, उन्होंने बॉक्स के ऊपर ग्रेड कोई और पैक किया लिखा हो और अंदर जो टाइल है वो कोई और ग्रेड की पैक की हो। तो जैसा कि इस के ऊपर आपको क्लासिक लिखा हुआ है, हर कंपनियां ग्रेड्स के लिए अलग अलग कोड वर्ड्स इस्तेमाल करती है। जैसा कि ये फोर्ड कंपनी है ये क्लासिक का लफ्ज इस्तेमाल करती है ए ग्रेड के लिए, इसी तरह मास्टर जो है वो सुपर्ब का लफ्ज इस्तेमाल करती है, टाइम्स कंपनी ट्रिपल ए क्वालिटी का लफ्ज इस्तेमाल करती है। तो टाइल के फ्रंट साइड को, बॉक्स के फ्रंट साइड को देख के ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कौन सी ग्रेड की टाइल है। इसके बाद जो तीसरी मेजर इंफॉर्मेशन मिलती है वो ये मिलती है कि कौन सा डिजाइन और कौन सा शेड और कलर है। जो भी बॉक्स होता है वो उसके ऊपर जो भी कॉटन होता है उसको लाजमी कंपनी जो है वो एक साइड से उसको फाड़ देती है ऑटोमेटिकली, जहां से आप जो टाइल का कलर है और जो डिजाइन है वो इजीली चेक कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि बल्कि मैं हमेशा कस्टमर को ये कहता हूँ कि जब भी आप अपना जो टाइल परचेज करते हैं तो उसके बाद हर बॉक्स को ऊपर से लाजमी देख लिया करें कि जो डिजाइन जो कलर आपने परचेज किया क्या वही आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और इसके बाद तीसरी इंफॉर्मेशन जो फ्रंट, चौथी इंफॉर्मेशन जो फ्रंट पर सबसे बड़ी मेंशन होती है वो होती है नंबर ऑफ टाइल्स। अब हर बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ टाइल्स एक स्टैंडर्ड होती है और आप वो टाइल के ऊपर लिखा हुआ होता है, आप देखते ही समझ जाएंगे कि इस टाइल के डब्बे के अंदर कितनी टाइल्स है। फ्रंट साइड को हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम जाते हैं इसी टाइल के कॉटन के बैक साइड पे।
बैक साइड पे भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको ये मालूम हो गया कि कौन सी कंपनी की टाइल है और कौन सा ग्रेड है, कौन सा कलर और शेड है और कितनी टाइल्स है। अब जब आप दूसरी साइड पर देखते हैं जो कॉटन की बैक साइड बनती है, तो उसके ऊपर सबसे पहले तो टाइल साइज लिखा हुआ है। अब कंपनी यूजुअली जो टाइल साइज देती है वो एमएम के अंदर देती है, इसीलिए आपको यहाँ पर जो टाइल साइज दिया हुआ है वो एमएम के अंदर दिया हुआ है। आप इस एमएम को इंचेस में कन्वर्ट करके इजीली चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा साइज दिया गया। और इसके साथ साथ आपको ये जो साइज दिया हुआ है ये बेसिकली एक टाइल का साइज है, यानी एक टाइल जो है वो इतने एमएम बाई इतने एमएम की है, और एमएम से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि टाइल जो है वो उसका साइज छोटा है या बड़ा है। इसके बाद जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इस टाइल के अंदर कितनी इस टाइल बॉक्स के अंदर कितनी टाइल्स है और उन टाइल्स से कितना कवर्ड एरिया बनता है। जैसा कि ये 10 इंच बाई 20 इंच का साइज है, वो इस कॉटन के अंदर लिखा हुआ है कि 12 टाइल्स है और इसके अंदर 1.53 अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर मीटर टाइल है, यानी 12 टाइलों को जब आप लगाएंगे तो ये तकरीबन 1.53 स्क्वायर मीटर बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और इस तरीके से आपको इजीली मालूम हो जाएगा कि आपको अगर 10 पैकेट मिले हैं और एक डब्बे के अंदर 1.53 मीटर टाइल है, तो जब आप 10 जरब 1.53 करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपको 15.3 मीटर या 15.5 मीटर टाइल मिली है। तो इस तरीके से आप अगर बॉक्स को रीड करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके इजीली अपनी जो क्वांटिटी आपने परचेज किया उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि एक टाइल है उसका साइज क्या है। ये मेन इंफॉर्मेशन जो फ्रंट और बैक साइड पर गिवन होती है। अब हम आ जाते हैं साइडों पर। साइडों पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं हमेशा कस्टमर्स को कहता हूं कि आप साइडों पर जो कंपनी ने हदायत दी होती है, जो इंस्ट्रक्शन होती है, जो रिस्ट्रिक्शंस होती है, वो लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि जब आप कंपनी की दी गई हदायत पर अमल करते हैं तो उससे टाइल की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और टाइल की लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसा कि ये फोर्ड कंपनी है हमारे पास, और इस पे इसकी दोनों साइडों पे भी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नंबर एक तो ये कि हर टाइल का एक कोड होता है। आप कंपनी ने सबसे पहले टाइल कोड प्रिंट किया होता है और उसके बाद उसकी कुछ मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे बैच नंबर क्या है, बैच नंबर या इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन होती है, इससे आपको लॉट का अंदाजा हो सकता है। और चूंकि ये मशीनी डाई से बनती है तो हर लॉट का दूसरे लॉट से फर्क आ सकता है। तो अगर आप बैच नंबर सारी टाइलों के जो भी आपने कॉटन के परचेज किया अगर उनको आप टैली कर लेंगे तो आपको ये भी टेंशन या आपकी ये भी परेशानी खत्म हो जाएगी कि यार शेड वेरिएशन तो नहीं है। जब एक ही लॉट का माल होगा, एक ही लॉट का स्टॉक होगा, तो फिर आपको शेड वेरिएशन का भी मसला इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा। इसके बाद जो तीसरी इंफॉर्मेशन है वो है इंस्ट्रक्शंस कंपनी देती है कि इस टाइल को आपने हैंडल कैसे करना है, रखना कैसे है, लगाना कैसे है, किन किन बातों का ख्याल रखना है। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि टाइल्स को आपने सीधी तरीके से बॉक्स को रखना होता है, बॉक्स को आप लगाने से पहले खोलें, उन टाइल्स को आप जमीन के ऊपर बिछा कर उसके शेड साइज और कलर्स की जो स्कीम है वो चेक कर लें, और सारे इन्फॉर्मेशन को आप अच्छी तरीके से देख लें, टाइल को टाइल बॉन्ड से लगाएं, टाइल फिलिंग जो है वो आप अच्छे तरीके से करें, जॉइंट रखें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी कंपनी ने लाजमी दी होती है। अगर आप फोर टाइल के जो टाइल बॉक्स है इसकी दोनों साइडें देखेंगे तो उर्दू में भी और इंग्लिश में भी दोनों साइडों के ऊपर यही सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और जब आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे तो फिर आप ज्यादा बेहतर पोजिशन में आ जाएंगे कि आपने किन बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी एहतियातें करनी है, मिस्त्री को क्या बताना है और कैसे टाइल को चेक करना है। उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को देखकर इन बातों पर अमल करेंगे तो फिर आपको ना तो टाइल के ग्रेड का मसला आएगा, ना ही आपको टाइल के साइज पैमाइश को लेकर साइज का मसला आएगा, आपकी दुकानदार के साथ भी कोई मसला नहीं होगा, और ना ही आपको टाइल लगाने के दौरान किसी किस्म का मसला आएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन बॉक्स के ऊपर है वो लाजमी अच्छे तरीके से रीड करें और उसके बाद ही टाइल जो है वो आप इंस्टॉल करवाइए। मैं हमेशा अपने कस्टमर को ये कहता हूँ कि जब आप टाइल परचेज कर लेते हैं और शॉपकीपर को पेमेंट दे देते हैं, उसके बाद आपकी अपनी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। अब आपने जो भी सामान परचेज किया उसको चेक करना आपकी जिम्मेदारी है।
तो अगर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी तो आप इजीली जो भी आपने सामान लिया उसको चेक कर सकेंगे और उसको वेरीफाई कर सकेंगे, और ना ही किसी गलती का शिकार होंगे और ना ही किसी धोखे का शिकार होंगे। अगर मजीद इस बारे में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई चीज़ परचेज करनी हो, नीचे नंबर और एड्रेस दिया गया, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हर मालूमात आप तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।